इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग की परीक्षा कक्ष में छात्र नागेंद्र सिंह को गोली मारकर फरार अभियुक्त सरदार सिंह गिरफ्तार। उसके कब्जे से पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले हिंदू हॉस्टल में रहने के दौरान सरदार सिंह और नागेंद्र सिंह के बीच झगड़ा हुआ था। तब नागेंद्र ने उसकी पिटाई करते हुए सामान कमरे के बाहर फेंक दिया था। इसके बाद सरदार सिंह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया। आरओ और एआरओ की परीक्षा देने के लिए 4 अप्रैल को वह वापस आया था इलाहाबाद और हिंदू हॉस्टल में रुका। यहां साथियों ने नागेंद्र से हुई घटना की बात शुरू की और बताया कि उसने इलाहाबाद में दिखने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस पर वह एक साथी की पिस्टल लेकर दर्शन शास्त्र विभाग में पहुंच गया और नागेंद्र को दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हो गया। कुछ दिवस पूर्व एक छात्र को यूनिवर्सिटी कैंपस में फिलोसफी डिपार्टमेंट ने गोली मार दी थी। उसमें नामजद अपेयर की गई थी। उसी अभियुक्त सरदार सिंह पर गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा और आगे विवेचना की जा रही है। इलाहाबाद से गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा बताया गया है कि इसकी पुरानी रंजिश थी, जिससे गुस्से में आकर इसके द्वारा काम किया गया। पहले से ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, पहले से इसमें मुकदमे हैं और पहले जेल भी गया हुआ है और इसमें अभी और बाकी के मुकदमे विभिन्न थानों में सर्च किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमने की है, जो अभियुक्त से बातचीत की है, उसमें तो यही तथ्य निकल के आया है कि ये अपनी रंजिश मानता था। जिसको गोली मारी नागेंद्र सिंह से रंजिश मानता था। उसका कहना है कि पहले उससे प्रताड़ित किया गया था कुछ लोगों द्वारा, तो जब इसे इसके मन में था कि कुछ इसका भाव करने का, इसी के प्रोफेशन द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया।